इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो सिद्धार्थ शुक्ला अंतिम सफर पर अब निकल चुके हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ओशिवारा शमशान घाट की, जहां पर अब उनके पार्थिव शरीर को उस जगह पर लाया जा रहा है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अग्नि सपूर्द किया जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पहले तो पूजा पाठ हुई, शांति पाठ हुआ है शमशान घाट जो वहां के एक हिस्से में, अब उस हिस्से पे जा रहे हैं जहां पर अब अग्नि को समर्पित कर दी जाएगी उनके इस पार्थिव शरीर को, और वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो अपने आखिरी सफर पर निकल चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, और पीछे आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्म कुमारी समाज है उनसे जुड़े तमाम जो वहां पर योगिनी हैं यानी बहनें हैं और भाई हैं वो पहुंचे हुए हैं जिन्होंने शांति पाठ की थी, परिवार के लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके तमाम वो कोलीग्स दोस्त जो सिद्धार्थ के साथ जुड़े हुए थे वो भी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। बारिश हो रही है और बारिश के बीच आप देख सकते हैं कि जो लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचे थे उनमें से कुछ लोग तो चले गए लेकिन जो अपने हैं जो करीबी हैं वो अभी भी सिद्धार्थ को आखिरी दम तक अपने बीच देखना चाहते हैं। राजीव हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से और जानकारी ले लेते हैं। लगातार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है राजीव और बहुत ज्यादा भीड़ भी अंदर दिखाई दे रही है, अंदर इस वक्त क्या चल रहा है अगर आप थोड़ा सा और तफसील से बता पाए। बिल्कुल, देखिए जो शांति पाठ रखा गया था शांति पाठ पूरा हो गया है और अंतिम दर्शन के साथ साथ अब अंतिम संस्कार के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, क्योंकि यहां पर पहले से ही तमाम जो परिवार के लोग हैं, करीबी लोग हैं, मित्र हैं, साथी कलाकार हैं, वो लोग अभी प्रीमाइसेस में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ये जहां पर शांति पाठ किया जा रहा था और जो जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है दोनों के बीच में लगभग 200 मीटर का डिस्टेंस है। ओशिवारा शमशान भूमि के अंदर का ही ये प्रीमाइसेस है, यहीं पर शांति पाठ किया जा रहा था और बॉडी जो है अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर लेकर जाया गया है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां भी पहले से ही तमाम प्रक्रिया पूरी की गई है, लगभग 250 से 300 किलो जो लकड़ियां हैं वो मंगाई गई थी, तो पहले से ही सारी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि बारिश बहुत तेज इस वक्त मुंबई से मुंबई शहर में हो रही है और तमाम जो फैंस थे बहुत से फैंस ऐसे हैं कि इस बारिश में भी रुक कर अंतिम विदाई देने के लिए अपने उस चहेते। बिल्कुल राजीव, यही बात है जो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हमेशा कही जाती है कि वो यारों के यार रहे, इसलिए आज अपने सभी यारों के बीच में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अब से चंद पलों में उन्हें अग्नि को समर्पित किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।